अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हाफ मून। हमने चिकन आधा किलो लिया है, उसको ऐसे छोटे पीस में काटा है। नमक, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स। सबसे पहले हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें, 1 कप दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल करेंगे। और उसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा किलो मैदा लेंगे, उसमें हम 1/2 चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच तेल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद पानी डालकर उसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने आटे को इस तरह से गूंद लिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और जो हमने मैरिनेट चिकन किया था उसे डालेंगे और उसे येलो फ्राई करने लगे। मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन पक चुकी है, अब हम इसका पानी सूखने तक उसे फ्राई करेंगे। का सॉस तैयार करेंगे। 1 चम्मच बटर डालेंगे, 2 चम्मच मैदा डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम हमें लो ही रखने की है। अब हम उसमें 1 कप दूध डालेंगे। अब हम उसमें 2 क्यूब चीज डालेंगे आधी प्याली स्वीट कॉर्न शामिल करेंगे और हमारी जो हमने चिकन फ्राई करके ली थी वो शामिल करेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अंडे में अच्छी तरह से डिप करना है और उसे ब्रेड क्रम से कोटिंग करने का।
हमें लो फ्लेम पर इसे डीप फ्राई करना है।